first off, big congratulations. The trailer and especially the songs are getting a huge response from the audiences. Thank you. First, we would like to know about your preparation, how you prepared for the role. Yeah, so जंगली एक बहुत अलग फिल्म है, इसलिए प्रिपरेशन भी बहुत अलग तरीके से करनी पड़ती है. जानवरों के साथ है, जंगल में रहना पड़ेगा आपको, खाने का जो बंदोबस्त होता है वो बहुत अलग होता है. सो पहले तो अपना आपको डिसाइड करना पड़ता है कि जब आप जंगल में रहेंगे तो आपको खुश रहना ही पड़ेगा, चाहे वहाँ पर मच्छर हो चाहे कुछ हो. सो प्रिपरेशन यही थी कि आपको पहले दिमाग में ठान लेनी थी कि अब मैं जाऊँगा जंगल में और सिर्फ मज़े करूँगा. जानवरों के साथ काम करने में वैसे ही बहुत मज़े आए. फिजिकली हम लोग वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी दौड़ करते थे पानी में, हमारे जहाँ पर भी था पानी काफ़ी था, सो हम लोग नहाने के लिए जाते थे, स्विमिंग करते थे. इस तरह से हम लोगों ने फिजिकली तो इस तरह से तैयारी की. ओके, ट्रेलर की बात करें तो आपके और जो एनिमल जो एलिफेंट है उसके बीच में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिख रही है. सो हाउ डिफिकल्ट वाज टू शूट विद द वाइल्ड? सो जो मेरा दोस्त है इस फिल्म में, उसका नाम है भोला, देख ही रहे, ये बहुत बड़ा जानवर है, हाथी है. और दो दोस्तों की कहानी है, किस तरह से दोनों बचपन में एक साथ बड़े होते हैं और जो मेरा कैरेक्टर है वो शहर चले जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे उसको बेटर लाइफ मिलेगी और वो डॉक्टर है जानवरों का. और कैसे एक समस्या आती है जिसके लिए उसको वापस घर आना पड़ता है अपने दोस्त के लिए, अपने हाथी के लिए, और वो अपने दोस्त के लिए लड़ता है जैसे कि हम नॉर्मल दोस्त के लिए लड़ते हैं. ओके, ये मूवी को एक इंटरनेशनल रुशा सर डायरेक्ट कर रहे हैं. सॉरी, जो डायरेक्टर है वो इंटरनेशनल है फॉर हॉलीवुड फिल्म. सो कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज इट्स अ बिग नेम इन हॉलीवुड. चक रसल बहुत नामी हैं चूँकि उन्होंने मास्क बनाई है, जिम कैरी की सबसे बड़ी ज़िंदगी की फिल्म दी है, स्कॉर्पियन किंग, ड्वेन रॉक जॉनसन जो एक्शन हीरो है उनको उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ रेजर बनाई है. सो बहुत खुशी थी क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े जानवरों के साथ काम किया था. सो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा था जब उन्होंने बताया कि उनको मुझ में बिलीफ है और उनको लगता है कि एक एक्शन हीरो जो हिंदुस्तान से अब निकल के आ सकता है उसके साथ काम किया जाएगा. तो दाद देता हूँ कि क्या चॉइस है डायरेक्टर आपकी. ओके सर, ये मूवी के साथ आपने एक हॉलीवुड और एक बॉलीवुड दोनों डायरेक्टर के साथ काम कर लिया, सो कुछ आपको डिफरेंस लगा? ऐसे जितना डिफरेंस नहीं है क्योंकि जो वहाँ पे ब्रिलियंट है और जो यहाँ पे ब्रिलियंट है वो वहाँ पे भी ब्रिलियंट होंगे ही. काफ़ी अमेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान में, बट हाँ उनके काम करने का तरीका अलग है हॉलीवुड के डायरेक्टर्स का. उनके टाइमिंग्स के बहुत पाबंद होते हैं. अगर उन्होंने डिसाइड कर लिए सुबह 6 बजे है सेट तो 6 बजे है सेट, शाम को 6 बजे अगर पैकअप है तो पैकअप है. डिसिप्लिन का बहुत डिफरेंस है. और इतने नामी डायरेक्टर हैं, अच्छी बात ये थी कि हर इंसान से अच्छी तरह से मिलते हैं, एक स्टार वैल्यू लेके आते हैं बट स्टार डम अपने साथ लेके घूमते नहीं. ये छोटे छोटे डिफरेंसेस तो हैं. ओके, इसी के साथ ये मूवी 29 मार्च को रिलीज हो रही है, इसी के साथ और एक डेब्यूटेंट आ रहे हैं ये मूवी के साथ जो क्लैश हो रही है, उसके बारे में क्या, नोटबुक मूवी जो आ रही है उसके बारे में क्या कहना है? डू यू थिंक इट विल इफेक्ट योर मूवी और द ऑडियंसेस विल बी डाइवर्टेड? उसके हीरो का नाम क्या है? ज़ाहिर इकबाल. और लड़की का? नूतन. तो किन की ग्रैंड डॉटर है वो? नूतन की. वेरी गुड, मैं तुम्हारी आईक्यू चेक कर रहा था. मैंने उनको बेस्ट विशेस भेजी हैं ट्विटर पे. मेरे दोस्त ने उनका गाना डायरेक्ट किया जिसमें सलमान खान ने नोटबुक में गाना गाना है जो बहुत सुंदर गाना है. आई विश देम ऑल द लक क्योंकि हम सब लोग, इनफैक्ट यंगस्टर्स जो डेब्यू कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय. आई विश देम ऑल द लक एंड आई विश दे डू रियली रियली वेल. ओके सर, आपके करियर में आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, वेरियस वेरियस कैरेक्टर निभाए हैं. आजकल बायोपिक का भी बहुत ज़माना है, सो आई यू इंटरेस्टेड टू डू एनी पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स बायोपिक इन फ्यूचर? हाँ, मन तो है बट इस समय जहन में नहीं है कि किसकी बायोपिक पे काम करना चाहूँगा. बट ऑफकोर्स अगर कोई लेजेंडरी एथलीट है या कोई लेजेंडरी पॉलिटिशियन है, व्हाई नॉट. सर, ऐसा कोई दिमाग में जिसका आप पोर्ट्रे करना हो, ऐसे कभी जहन में आया? अभी मैंने आपको बताया कि अभी तक जहन में नहीं आया है. ओके, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा हो चुका है, कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म हो चुका है, सो डू यू लाइक टू डेब्यू इन डिजिटल वर्ल्ड? डू आई वॉन्ट टू डेब्यू इन डिजिटल वर्ल्ड, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में काम करना बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़े आएंगे. बट मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि अब छोटे छोटे शहरों से लोग सिर्फ टेलीविज़न की तरफ नहीं जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा ज़रिया खुल गए हैं, बहुत तरह के एक्टर्स आ सकते हैं बॉम्बे में. अगर आप में किसी भी तरह का टैलेंट है, किसी भी तरह के एक्टर है, आपको मौका दिया जा रहा है. प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, चैनल्स बढ़ गए हैं. सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस दौर का हिस्सा हूँ जहाँ पे हर आदमी बॉम्बे आके ट्राई कर सकता है. जब 10 साल पहले या 8 साल पहले जब मैं फिल्म कर रहा था, शुरू कर रहा था, सो मुश्किल होता था. यहाँ आप हीरो बनेंगे या आप सीरियल करेंगे, या आप फिल्म में काम करेंगे या आप सीरियल में करेंगे. अब बहुत अच्छा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ गए हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं इस जनरेशन का हिस्सा बनने में.
ओके लास्ट ईयर 29 को आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को? सो हमने जब फिल्म बनाई थी, हमने एक डायरेक्टर जिन्होंने मास्क बनाई थी, इस तरह का इसलिए चूज़ किया था ताकि फैमिली किड्स सब एंटरटेन हो। जिस तरह का एक्शन किया गया है बहुत एजुकेटिव है, बहुत फनी है, और इस तरह की फिल्म हिंदुस्तान में बनी नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में इस तरह का जो जॉनर है जिसको पकड़ा जा रहा है, रियल हाथियों के साथ हम पहली बार बना रहे हैं। प्लीज़ आइए 29 मार्च को किसी भी थिएटर में और ज़रूर इंजॉय करिए। थैंक यू सर, बेस्ट परफॉर्म मूवी सर। थैंक यू।